हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास है आईफोन 12 प्रो। तो इसका ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आज हम ईयर स्पीकर को ठीक करने वाले हैं। ईयर स्पीकर इज़ नॉट वर्किंग। तो दोस्तों, इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, सबको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको दिख रहा है रिंग सेक्शन, यहाँ से भी आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो चलिए, हम आपको ये ठीक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम एयर स्पीकर को ठीक करेंगे। तो हमको कुछ चीज़ें चाहिए। एक हमको ब्रश चाहिए। अब हम लेंगे कपड़े वाली सुई। तो मेरे पास एक सुई का टुकड़ा है, आप चाहो तो मार्केट से एक नई सुई भी ले सकते हैं। एक अपने कपड़ा ले लेना है साफ सा। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, अपने सुई के जो नुकीले वाले हिस्से को आपने उसी से ईयर स्पीकर के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने उनको साफ़ करना है। तो कुछ इस तरह से साफ़ करना है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और आपने आराम आराम से उनके ऊपर ईयर स्पीकर वाली जो जाली होती है, जो उसका कवर होता है ईयर स्पीकर का, उसके ऊपर आपने आराम से धीरे धीरे से सुई को चलाना है। जैसे मैं चला रहा हूँ, आप वैसे उसी हिसाब से आप उसको धीरे धीरे चलाते जाएं। ठीक है, आपका स्पीकर बिल्कुल अच्छे से वर्किंग करेगा। आपको फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ़ोन खोल के साफ़ करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से भी अपने ब्रश से भी इसको साफ़ करना है, क्योंकि ब्रश के जो पतले पतले दांते होते हैं वो भी साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने एक कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, और उसी कपड़े के ऊपर से आपने एयर स्पीकर को अच्छे से साफ़ करना है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। आपने इस तरह से इसके होल्स को खोलना है। ये देखो, मैं होल्स को खोल रहा हूँ। इस तरह से आपने होल्स को खोलना है। आपको दिख ही रहा होगा, आपने ब्रश से पूरे फ़ोन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे आपका फ़ोन अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आपका फिर वो अच्छे से काम करेगा। तो आप उसको ध्यान से देखना, उसको अच्छे से क्लीन कर देना। तो मैं तो इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। इसका जो एयर स्पीकर था वो भी इसका चला दिया है। अब हम इसके रिंगर ठीक करेंगे। तो इसके रिंगर में से आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आती है। तो रिंगर में से आवाज़ बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपने इस फ़ोन को खोलना नहीं है। जिस तरह से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस फ़ोन को साफ़ करना है। आपने बारी बारी से रिंगर के सभी होल्स के अंदर से डस्ट वगैरह निकाल देना है सुई के मदद से। उसके सारे सुराख को अच्छे से ओपन कर लेना है आपने। जैसे वो सारे सुराख इसके ओपन हो जाएंगे, तो आप उसको कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना, ब्रश से क्लीन कर लेना। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा, जैसे ही आपके रिंगर सारे साफ़ हो जाते हैं, आपने उसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लेना। तो दोस्तों, हमने अपना फ़ोन को ठीक कर लिया है। तो अब इसको हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो अभी लॉक तो मुझे पता नहीं है, लॉक पता लग गया है। तो दोस्तों, हमारी रिंग तो बज रही है, आवाज़ भी अच्छी आ रही है, आवाज़ बाहर तक आ रही है, साफ़ सुथरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ़ोन को कर लेता हूँ पिक। फ़ोन हमारा पिक हो चुका है और आवाज़ भी आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर अच्छे से काम कर रहा है, रिंगर अच्छे से काम कर रहा है। ईयर स्पीकर भी चेक कर लेते हैं, ईयर स्पीकर भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।